जी क्या कर रहे हैं, आज कितने दिन के हो गए? आज हमारे साथ कुछ अलग हो जाता क्योंकि आज मैंने मम्मी के कपड़े पहन लिए। तो मम्मी मम्मी बताएंगे आज का, एक्सप्लेन करेंगे क्या हो गया था मम्मी। सुबह मारा था कि मम्मी का पेट को यूं यूं करता है। तो आज मेरे संग में धोखा हो जाता है। चलो कोई छोटा बाबू स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है। सो अभी उसने, अभी उसकी मालिश हो गई है। मालिश करने के बाद, थोड़ा सा फीड करने के बाद वो अभी एकदम गहरी नींद में चला जाता है, मालिश होने हो जाती है। तो ठीक, आज कितने दिन का हो गया? 7 दिन का हो गया हमारा बाबू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और बहुत सारी लंबी चौड़ी हम लोगों ने लिस्ट बना ली है, सामान लेके आना है मार्केट से। और मम्मी पता नहीं कहाँ चलेंगी, क्या हो गया? कैसे कैसे फूट रही? मैंने कल की थी। कैसे पलट दी? हाँ लग जाती है। चलो चलो, जगह जगह सबको चोटें लग रही हैं, दिखाओ जरा ये। अच्छा ये इतनी जोर से लग गई थी कल घर में लाइट नहीं थी, ये जाके उसमें भिड़ गए दीवार में। मार्केट जाते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आते हैं, बाबू का कुछ सामान लेना है वो लेके आते हैं। ब्लॉग में बने रही है अंतर। मुस्कान चलेगी? मुझे कौन लेवा जा रहा है? मैं के लिए रो रहा है। मैं लेवा जा रही। मैंने बोला था मुझे कौन लेवा जा रहा है। चल चल मैं चलाऊंगी, बीच में बैठना है। क्यों मना की थी मुझे नहीं जाना? बस देख, वैसे भी कल जा रही है, चलना है तो चल, नहीं तो ज्यादा भाव देने की जरूरत, ज्यादा भाव ऐसे नहीं दे रहा। आप नहीं जा रहे बट आप पापा के पास हो, बाबू को हम छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी का सूट पहना था ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबली फील हो रहा था, वापस से मैंने अपना सूट पहना एंड चेंज किया। उसके बाद अभी हम दोनों देवर भाभी निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। मार्केट जाके सबसे पहले हमने कैटल डाला शॉप पे, क्योंकि वो कैटल ख़राब हो गया था इसलिए हमने सबसे पहले कैटल डाला। उसके बाद मार्केट में और अंदर को गए, वहाँ पर हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े देखे। बट ये जो कपड़े थे ना बहुत गर्म हो रहे थे, अभी इतना मौसम ठंडा है नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नहीं लिए। उसके बाद अभी हम लोग आ गए विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े थे एंड मतलब हमको जिस साइज़ के चाहिए थे वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे अवेलेबल। और सारी चीज़ें ना अच्छे से मिल भी जाती हैं एंड रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की न्यू बॉर्न बेबी के लिए। आज उसी उशी की शॉपिंग करने के लिए निकले थे हम दोनों। मार्केट आए और पानी पूरी नहीं खाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पानी पूरी खाई दोनों ने मिल के। और पानी पूरी खाने के बाद फिर हम लोगों ने एक वो दही पापड़ी जो बनती है ना वो बनवाई, मज़ा आ गया था खा के, है ना। और उसके बाद फिर से हम लोग वापस से मार्केट में आए, वहाँ से थोड़ा बहुत दुकान से सामान खरीदा, घर आके तो देखा ये देखो अभी भी हमारा बच्चा सो ही रहा है। और देखो हम क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए, लेके आए हैं बेबी को मैट्रेस डी वाला ब्लैंकेट लेके आए हैं, और क्या लेके आए हैं, एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी सी टॉवल लेके आए हैं, ये थैले में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, एक ब्रश लेके आए हैं, फ्लोर क्लीनर लेके आए हैं, अंगूर लेके आए हैं, आलू लेके आए हैं, 0 वाट का बल्ब लेके आए हैं, बिस्किट साबुन एंड ये इसके लिए क्या है, ये है ये सुनको ना लेके आए हैं ये। और इसमें है बच्चे को कैप, ये क्या है नाक पोंछने का रुमाल, और ये है गुड़िया के बगल वाली दुकान में मिल गया ये बाबू के लिए उड़ाने को। इतना सारा हम सामान लेके आए छोटा बाबू के लिए। ये छोटा बाबू को फुल टी शर्ट एंड ये फुल पैंट लेके आए हुए हैं। सेकंड ड्रेस ये है, ये भी फुल आस्तीन में है एंड इसका ये पैंट है। तो ये है बच्चे की शॉपिंग, बाबू को ये पसंद आ गया। न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो शॉपिंग करके लेके आए थे तो यहाँ पे बैठ के मम्मी को दिखा रहे थे कि मम्मी देखो हम ये सारी शॉपिंग करके लेके आए हैं। हमारे घर में देखो खाना ऐसे खपता है, ये समोसे कचौड़ी प्लेट में, कचौड़ी समोसा रोटी चटनी सब एक साथ, क्या है ये। सो गाइस ये देखो हमारे सोना बाबू रात के लिए रेडी हो रहे हैं, और अभी रात में परेशान करेगा। अब भी सो रहा है, जब हम गए थे तब भी सो रहा था एंड दिन भर सोता है और रात में फिर परेशान करता है। सो रहा है, उसकी मम्मा सो रही है उधर खटिया पे। कल तो बाबू के नानू आ जाएंगे, नानी आ जाएंगी,
ओहो ओहो कितना गंदा सा मुंह बना के रोता है, ये देखो कितना गंदा सा मुंह बना के रो रहा है। भूखी लगी ऐसे हैंड निकालना है, ये लो निकालो हैंड, फिर चला लो हैंड, ऐसे ज्यादा नीचे नहीं करना है, हैंड निकाल के अब कर लो मस्ती। घर में छोटा बच्चा रहता है ना तो एक अलग ही रौनक आ जाती है, और यहाँ पे देखो वो सो के उठ चुका है और उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई। सो दादा दादी देखो कितने प्यार से उसको देख रहे हैं, और बच्चा पता है जब सोता है ना तो ऐसा लगता है बस वो जल्दी से उठ जाए और उसकी मस्तियाँ हम लोग देख पाएँ। और मेरे को देखो इतनी तेज़ वाली नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पर उलट पुलट हो रही, मैंने सोचा चलो एक बार उठ के देखती हूँ, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा दूँगी, बट सारा काम हो चुका है, अब हम लोग सोएंगे और हमारा सोना बाबू अब जागेगा। और इस वीडियो को हम यहीं प्लान करते हैं क्योंकि आज मैंने इतना सा ही शूट किया था। ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।